भारतीय बेलदार जन जागरण महाअभियान के गोरखपुर इकाई की गठन के लिए भारतीय बेलदार जन जागरण महासभा की एक बैठक रविवार को गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजा राम बेलदार, राष्ट्रीय महासचिव भजन लाल बेलदार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सत्यव्रत बेलदार, जिला अध्यक्ष आशीष चौहान, राजेंद्र बेलदार सहित महासभा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से बेलदार समाज के उत्थान और राजनीतिक क्षेत्र में बेलदार समाज की भूमिका पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आज बेलदार समाज में एकजुटता की कमी के कारण उसे राजनीति मंच नहीं रहा, इसलिए समाज में अपनी पहचान बनाने और राजनीतिक में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बेलदार समाज को संगठित होना होगा। के लोग तो सम्मानित से जानते हैं कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा बजट क्या है, हम मैं हर व्यवस्था से संपन्न हूँ, मजबूत हूँ, हमारी संख्या भी ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी कपूर की भावनाएं आ जाती थी और कहीं ना कहीं थोड़ा कठिन किनारे होने लगते थे सामाजिक परिवेश से। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया, उन्होंने मार्ग बताया, हम लोग चलते रहे, लेकिन आज तो हमें बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे समाज का एक बहुत ही बढ़िया तबका, जिस समाज में सबसे ज्यादा नौकरी पेशे के लोग होते हैं, शिक्षित लोग होते हैं, क्योंकि शिक्षा ही जो है सबसे बड़ा मूल स्तंभ है, और आज शिक्षित हमारे समाज के शिक्षित पर जितने अधिक से अधिक लोग आज हमारे इस मीटिंग में, हमारे इस संगठन के जो है वैचारिक सम्मेलन जो हो रहा है, जिसमें बैठ के हम जो है दूसरे के विचारों से रूबरू हो रहे हैं, हमारा एक संगठन बना है, समाज के प्रति इसकी उत्तरदायित्व क्या होता है, समाज करना क्या चाहता है, आज हमारा समाज है कहाँ, समाज को हमें ले जाना है कहाँ, समाज को हमें दिशा कौन सी देनी है, गति कौन सी देनी है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हमारे समाज का सबसे मजबूत स्तंभ आज यहाँ जो है मैं देखने को पा रहा हूँ कि शिक्षा और साथी सेक्टर से जुड़े सबसे ज्यादा लोग आज हमारे संगठन में बैठ करके हम लोगों से रूबरू और अवगत एक दूसरे से हम लोग हो रहे हैं। हम 20-22 वर्ष की उम्र में संगठन के तमाम जगहों पे गए, ऐसे ऐसे जगहों पे गए कि जहाँ लोग पहुंच करते हैं अरे कहाँ के बाद कोई दिखाई नहीं देता है, तो भाई उनको उत्साह जाता कि जब आप चलेंगे और जुड़ेंगे तब आपको एहसास होगा आप हैं कौन, आपकी क्षमता है क्या और आपको किस स्टेटस में किस ढंग से आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी तरह से चाहे जिले में ले लीजिए, चाहे मंडल में ले लीजिए, चाहे प्रदेश में ले लीजिए, कहीं से हम किसी भी प्लेस में किसी से कमजोर नहीं है, किसी से किसी भी तरह से हर स्थिति से निपटने के लिए हम खुद जो है अपने संगठन के माध्यम से इतना मजबूत हो चले हैं साथियों कि हमारे इसी संगठन के लोग अभी हमारे इसी संगठन के लोग मध्य प्रदेश में गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है साथियों कि आज उत्तर प्रदेश जो हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेटस है, सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ से जो है गलियारा जो है हिंदुस्तान के जो है संसद और वहाँ के जो है सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुँचता है साथियों, यही से होकर के जाता है, क्योंकि हमारी संख्या उत्तर प्रदेश की नहीं, हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड मंगाया है, बहुत ज्यादा हमारी संख्या है साथियों, और हम जो संगठन और जो हमारी व्यवस्थाएं के लिए हम खोज निकाले हैं। अब आप लोगों का योगदान है जो आज शिक्षा और सर्विस सेक्टर के लोग सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे ज्यादा इन लोगों से आग्रह करूंगा कि देखिए आप लोग इस समाज के रीढ़ हैं, स्तंभ हैं, और आप लोग यदि सहयोग करेंगे, आप लोग संगठन को बनाना चाहेंगे, तो हम लोग को अपना जीवन कुएं में बदलने जाकर के समाज के लिए संघर्ष करते हुए अपने ऊपर कितना मुकदमा लाद लिए, और कहीं कहीं हम लोगों को है गाली भी सुने, कहीं कहीं पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी, हम लोग इसके लिए तो जो है कफन बांध के चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप लोगों से कि आप लोग शिक्षा और सर्विस सेक्टर के लोग थोड़ा सहयोग करिए, फिर देखिए हम यहाँ ही नहीं उत्तर प्रदेश के गलियारा को पकड़ते हुए हम दिल्ली पार्लियामेंट को पकड़ने का